हेलो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन लेने में इच्छुक हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। एमपी स्टेट कम्बाइंड नीट यूजी काउंसलिंग का सर्कुलर आ चुका है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे नीट यूजी कोर्सेज के लिए डीएमई पोर्टल पे 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई मिडनाइट तक। इसके बाद इसकी जो स्टेट मेरिट लिस्ट है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की, वो पब्लिश हो जाएगी 1 अगस्त को। आपके पास चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का ऑप्शन होगा। अगर आपके पास एमपी डोमिसाइल है और आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, उन कैंडिडेट्स के लिए आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुल जाएगा 2 से लेकर 4 तक। 3 दिन तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 4th को मिडनाइट में चॉइस फिलिंग क्लोज हो जाएगी। अगर आपने ऑप्शंस लॉक कर दिए हैं तो आपके रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड आ जाएगा, जिसमें अलॉटमेंट ऑफ सीट्स का आपको पता चल जाएगा 7 अगस्त को। 8 से लेकर 14 तक आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर आपने मेडिकल या डेंटल कॉलेज जिसमें भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है उसमें आपको रिपोर्टिंग करके और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और अपना एडमिशन लेना होगा, फीस सबमिट करनी होगी। और अगर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 8 से लेकर 14 के बीच में ही आप अपने अपग्रेडेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था अपडेट एमपी काउंसलिंग से रिलेटेड। सभी स्टेट्स की काउंसलिंग जल्दी जल्दी खुल रही है, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे यूनिसिस ग्लोबल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथ में एक लिंक मैंने नीचे डाल दिया है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। आप व्हाट्सएप से हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आपका नंबर किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा और आपको सारे इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के जरिए सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू एंड गुड बाय।